हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू के एन स्टडी पॉइंट। दिस इज ए स्पेशल क्लास फॉर टीजीटी इंग्लिश 2020। एंड आज की क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास, इडियम्स एंड फ्रेजेस। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि एग्जाम में, बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आती है, उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हमें इडियम फ्रेजेस को तैयार करना है। बेसिकली हम लोग जब भी इडियम फ्रेजेस तैयार करते हैं तो ज्यादातर हमारी स्ट्रेटेजी होती है कि हम लोग इसे लर्न करते हैं, लेकिन नहीं, कुछ और भी ऐसे तरीके हो सकते हैं इसको तैयार करने के, जिन्हें हम लोग आज क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि लर्न करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, वो जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो फिर हम धीरे धीरे उनको भूलने लगते हैं। लेकिन अभी हम लोग कुछ एक ऐसा तरीका पढ़ेंगे जिससे हम लोग इडियम फ्रेजेस को तैयार करें और उन्हें भूले भी ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है एट वंस विट्स एंड, किसी की विट का एंड होना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक चीज हम समझ ले मोटा मोटा कि जो हमारे इडियम फ्रेजेस होते हैं, देखो इनका एक वर्डली मीनिंग होता है, वर्डली मीनिंग, ठीक है। यानी ये जो इनके शब्द में लिखा होता है वो, उसका अर्थ क्या है, और दूसरा होता है उनका रियल मीनिंग। रियल मीनिंग का मतलब हो गया कि उनका वास्तविक अर्थ क्या है, ठीक है। वर्डली मीनिंग का मतलब हो गया कि जो उस शब्द में, वर्ड में लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या है, और दूसरा उसका जो रियल मीनिंग है, या हम ये भी कह सकते हैं जो उसका रियल मीनिंग होता है वो उसका हिडन मीनिंग भी होता है। हिडन का मतलब वो उसका छुपा हुआ अर्थ होता है, वो शब्द में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा होता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग पढ़ेंगे, और एक बार बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लेंगे, इसके बाद हमारे लिए इसको तैयार करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ है ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है, तो ब्लैक के मीन्स, ब्लैक का मीन्स होता है काला, एंड ब्लू, ब्लू मीन्स होता है नीला। तो अब इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, इसका वर्डली मीनिंग देखें, तो क्या हो जाएगा, काला और नीला। तो यहाँ पे इसका जो हिडन मीनिंग है या इसका जो रियल मीनिंग है, उसका ना ही काला है ना ही नीला है, बल्कि किसी भी कलर से इसका मीनिंग नहीं होता। बल्कि ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है कि मर्सीलेसली मारना, यानी कि टू बीट मर्सीलेसली, बुरी तरह से पीटना, टू बीट मर्सीलेसली, ठीक है, किसी को बुरी तरह से पीटना। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे लिखा हुआ है ब्लैक एंड ब्लू, तो ब्लैक एंड ब्लू का जो मीनिंग है वो ऊपर से देखने पर, वर्डली देखने पर आ रहा है कि काला और नीला, लेकिन ये इसका मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग कुछ और है। तो इसी तरह से हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि जो आपके इडियम्स में, जो फ्रेजेस में वर्ड्स दिए हुए हैं, उनका एज इट इज मीनिंग नहीं होता है। जो लिखा होता है उसका वही मीनिंग नहीं होता है, बल्कि उसका मीनिंग कुछ सांकेतिक होता है, कुछ सिंबॉलिक होता है, कुछ हिडन होता है, कुछ डिफरेंट अलग होता है, ठीक है। तो इस बात को पहले आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि जो फ्रेजेस में आपका लिखा हुआ होता है वो उसका मीनिंग सेम नहीं होता है, ठीक। फिर क्या होता है इसको हम ध्यान से समझेंगे, कहीं ना कहीं कुछ संकेत होता है, सीधा सीधा मीनिंग जो वर्ड्स में दिया हुआ है उस तरह का मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। अब हिंदी की अगर हम लोग बात करते हैं, कि हिंदी के किसी मुहावरे की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने बोला कि लाल पीला होना, ठीक है, लाल पीला होना। तो अब क्या लाल पीला होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रोधित होना, लेकिन लाल पीले का मतलब ये तो नहीं होता है कि रेड येलो होना। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते ना, क्योंकि फ्रेज जो होते हैं वो कुछ सिंबॉलिक मीनिंग देते हैं, जैसा उनके शब्दों में लिखा होता है वैसा उनका मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इतनी बात को समझने के बाद स्टूडेंट्स चलते हैं, हम लोग एक एक एग्जाम्पल को पढ़ते हैं ध्यान से और समझते हैं एक एक फ्रेजेस को, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। फ्रेज नंबर वन, एट वंस विट्स एंड, किसी की विट का अंत होना, ठीक है, किसी की विट का अंत होना। अब देखो विट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो विट माने होता है बुद्धि या चतुराई या क्लेवरनेस, ठीक है,
ठीक है, विट का मतलब, इसी विट से बना हुआ शब्द है विटी, मतलब बहुत चतुर आदमी, बहुत ज्यादा जो शार्प माइंड होता है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नेचर का होता है। तो विट का मतलब होता है चतुराई, बुद्धिमता। और देखिए यहाँ पे एट वंस मतलब किसी व्यक्ति के विट, विट का मतलब बुद्धि, विट्स एंड यानी किसी व्यक्ति की विट का एंड होना, किसी व्यक्ति की बुद्धि का काम ना करना, दिमाग का काम ना करना, उसे कुछ समझ में ना आना। और ऐसी जो कंडीशन होती है जब व्यक्ति को ये समझ नहीं आता है, उसकी बुद्धि का अंत हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि वो पागल हो गया, मतलब कि उसे अभी कोई बात समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं मैं क्या ना करूं, ऐसी कंडीशन में व्यक्ति क्या होता है, कंफ्यूज्ड। और कंफ्यूज्ड को ही दूसरे शब्दों में परप्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो हम परप्लेक्स भी कह सकते हैं और हम कंफ्यूज्ड भी कह सकते हैं। एट वंस विट्स एंड, किसी की विट का एंड होना मींस टू बी परप्लेक्स्ड और टू बी कंफ्यूज्ड। ओके, नेक्स्ट, एट वंस फिंगर टिप्स, किसी की फिंगर टिप्स पर होना। अब देखिए फिंगर टिप्स क्या होती है, हमारे फिंगर की जो ऊपर ऊपर का जो पार्ट होता है, तीन पार्ट में बटा होता है हमारा फिंगर, तो जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसको टिप बोलते हैं, फिंगर टिप्स पे होना। तो अगर हम लोग हिंदी में भी कभी कहते हैं कि ये चीज तो मेरी उंगलियों पर है, उंगलियों पर गिन सकते हैं, तो फिंगर टिप्स पे होने का मतलब होता है कि इस चीज की हमें पूरी नॉलेज है, हमें इस पर कमांड है। अगर आप कह रहे हैं किसी को कि बायोलॉजी उसकी फिंगर टिप्स पर है, तो उसका मतलब है कि बायोलॉजी की उसकी बहुत अच्छी नॉलेज है। ये किसी दूसरे सब्जेक्ट की भी हम बात कर सकते हैं। अब देखो अगर ये लिखा हुआ है टू हैव कंप्लीट नॉलेज, तो ये भी ठीक हो सकता है, या ये भी हो सकता है टू हैव कमांड ओवर, आगे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है किसी चीज पर, टू हैव कमांड या टू हैव कंप्लीट नॉलेज। तो ध्यान से समझेंगे, एट वंस विट्स एंड, किसी की विट का एंड होना यानी परप्लेक्स होना, और किसी की कोई चीज फिंगर टिप्स पे है, इसका मतलब है टू हैव कंप्लीट नॉलेज। नेक्स्ट, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी कि स्पर ऑफ द मोमेंट पे होना, यानी उसी क्षण होना, उसी क्षण होना, एट द मोमेंट होना, एट द मोमेंट यानी कि उसी समय होना, यानी विदाउट डिले, बिना देर किए, यानी कि एट वंस ऐसे भी बोल सकते हैं, एट वंस का मतलब हो गया तुरंत। तो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट अगर कोई चीज हो रही है, इसका मतलब होती है एट द मोमेंट हो रही है, एट वंस हो रही है, या विदाउट डिले हो रही है, यानी कि तुरंत हो रही है। ऑल इन ऑल, जो ऑल है वो भी ऑल में ऑल है, यानी कि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी जो सर्वे सर्वा हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सर्वे सर्वा, हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको बिल्कुल, क्योंकि इंग्लिश में आप लर्न कर सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एट क्लोज क्वार्टर्स, जब क्लोज क्वार्टर्स होता है तो इसका मतलब है कि जैसे ये है आपका एक बहुत क्लोज क्वार्टर हो गया, यानी कि, और देखिए दूसरा वाला आपके बीच में इतनी गैपिंग है, यहाँ बीच में बहुत जरा सी गैपिंग थी, तो क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है बहुत ही क्लोज, बहुत ही नजदीकी, जब कोई एग्जामिनेशन होता है, कोई परीक्षा की घड़ी होती है जो बहुत ही क्लोज होती है, तो उसको बोलते हैं एज क्लोज क्वार्टर्स। तो यहाँ पे क्लोज एग्जामिनेशन आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर में कैसे समझेंगे, ये कोई एक कोई ना कोई ऑर्डर है, एप्पल पाई ऑर्डर में कोई चीज रखी गई है तो किसी ना किसी ऑर्डर में रखी गई है। और नॉर्मल आप देखते हैं ये आपका एप्पल बन गया, आपने देखा होगा एप्पल जब रखे होते हैं मार्केट में, एप्पल फिर इस तरह से करके कुछ गड़बड़ सा बन गया है, फिर एप्पल ऐसे लाइन से बने होते हैं यहाँ यहाँ यहाँ, फिर वो एप्पल के ऊपर एप्पल ऐसे करके एक वो बहुत सुंदर सा ऑर्डर बनाते हैं एप्पल का। तो एप्पल पाई ऑर्डर में अगर कोई चीज लगी हुई है तो आप ये समझ लीजिए कि इन परफेक्ट ऑर्डर, यानी बहुत ही परफेक्ट ऑर्डर में है। अब अगर आप लर्न करेंगे तो बार बार आपको जो है बिना समझे चीजों को लर्न मत करिए, ऐसे आपको प्रॉब्लम होगी, आप भूलेंगे भी। एट क्लोज क्वार्टर्स था, अगर इनकी क्लोज था कुछ क्या था, क्लोज एग्जामिनेशन था, एप्पल पाई ऑर्डर में कोई चीज थी मतलब कि परफेक्ट ऑर्डर में थी। यहाँ पे बात एप्पल बनाना है किसी अदर फ्रूट की नहीं है, लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल एक मुहावरा है जिसमें बोला जाता है कि एप्पल पाई ऑर्डर से कोई चीज लगी है मीन्स परफेक्ट ऑर्डर में लगी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अबव बोर्ड, अबव बोर्ड अगर कोई है तो इसका मतलब है वो बिल्कुल कहते एकदम कह रहे हैं बिल्कुल सीधा सपाट बोलने वाला, जो बहुत ही सीधा और सपाट बोलता है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट मतलब वो मैनिपुलेटिंग नहीं है,
किसी भी बात को मैनिपुलेट नहीं करता है, जैसी भी बात है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला व्यक्ति है। तो ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन को बोलते हैं अबव बोर्ड है, वो अबव बोर्ड है यानी कि हर बोर्ड से ऊपर है। ठीक है, अब देखिए अबव ऑल जब हम किसी बात को कहते हैं कि ऐसा था, किसी बात को जब हम क्लेरिफाई करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स के बाद हम कभी कभी कहते हैं एंड अबव ऑल दिस इज, अबव ऑल ये चीज है। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज से पहले, मतलब बाकी सारी चीजें तो हैं ही लेकिन उन बाकी चीजों को अगर हटा दिया जाए तो ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है। अबव ऑल बिफोर एवरीथिंग एल्स, किसी भी चीज से, जितनी भी चीजें बची हुई हैं एवरीथिंग एल्स से पहले जो है वो क्या है, अबव ऑल है। अगर हमने कहा कि अबव ऑल तो इसका मतलब है कि बाकी जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की उससे रिलेटेड वो सारी बातों को हटा दो तो उससे भी पहले ये बात आती है, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो उन सभी बातों में सबसे महत्वपूर्ण है जो। टू फिट एज अ फिडल, अगर कोई भी चीज फिडल की तरह फिट हो रही है, यानी कि फिट होने के लिए एक सांचा होता है, जैसे ये बहुत छोटा बॉक्स, ये छोटा बॉक्स है और ये बड़ा बॉक्स है, तो इस अगर कोई बहुत बड़ी सी चीज है, मान लीजिए कोई इतनी बड़ी चीज है, तो फिर वो इस बॉक्स में फिट नहीं बैठेगी, यहाँ पे फिट बैठ जाएगी। तो अगर कोई चीज फिट एज अ फिडल है तो इसका मतलब है कि वो बहुत स्ट्रांग एंड हेल्दी है। तो ये किसी भी पर्सन के लिए यूज किया जा सकता है, किसी चाइल्ड के लिए यूज किया जा सकता है, किसी मेल फीमेल के लिए यूज किया जा सकता है, किसी भी पर्सन के लिए। तो टू एज फिट एज अ फिडल, अगर फिडल की तरह कोई भी चीज फिट हो रही है, इट मीन्स कि वो बहुत स्ट्रांग और बहुत हेल्दी है। ठीक है, एट रैंडम, ये बात तो, ये तो वर्डली भी आप समझ सकते हैं, अगर कोई चीज रैंडम हुई तो रैंडम का मतलब वैसे क्या होता है, देखिए रैंडम का मतलब वैसे क्या होता है, इररेगुलरली, इररेगुलरली जो चीज अनियमित है, अनियमित है यानी कि किस अनियमित रूप से, जो चीज किसी नियम से बंधी नहीं है। जैसे अगर एक आने का तरीका रखा जाए कि कोई कैसे कैसे आएंगे, तो एक मान लीजिए कोई नियम को फॉलो किया गया, ठीक है, अब नियम को फॉलो कर दिया, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, तो यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है कि भाई एक मेल आएगा फिर एक फीमेल आएगा, यहाँ पे एक ऑर्डर फॉलो किया गया, ठीक, या फिर एक ऑर्डर फॉलो कर दिया गया कि सारी फीमेल 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 यहाँ पे आएंगी या मेल मेल आएंगे, या फिर किसी भी चीज को लेके हमने एक लग दिया है, कोई एक रूल रख दिया, उस रूल को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहां पे कोई भी रूल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं तो रैंडम हो गया, क्योंकि इस रैंडम का मतलब होता है कुछ भी इसमें रेगुलरिटी पहले से मेंटेन नहीं करी गई थी। कोई भी काम अगर रैंडम होगा तो इसका मतलब है कि वो निरुद्देश्य हो रहा है, उसमें कोई उद्देश्य कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रही हूं, आप ध्यान से बेटा देखेंगे, अगर कोई चीज एमलेसली है तो एमलेसली का मतलब है निरुद्देश्य है, एमलेसली का क्या मतलब हो गया, निरुद्देश्य हो गया, निरुद्देश्य यानी जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट, एट अ लूज एंड, देखो अगर किसी चीज का जो एंड है यानी कि जो उसकी उसका जो छोर है वो लूज है तो उस चीज को आप प्रॉपर ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। ऑक्यूपाई मतलब किसी चीज में उसको रखना, ऑक्यूपाई करना, लेकिन अगर लूज एंड होगा तो आप उस चीज को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। तो आप ऐसे याद रखेंगे, जिसका लूज एंड जब आएगा तो इसका मतलब होता है अनऑक्यूपाइड, ठीक है, जैसा कि आप ऊपर लिखा हुआ है। एट लॉगरहेड, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला वर्ड है ये, एट लॉगरहेड, ये बहुत पूछा जाता है बेटा। लॉगरहेड पे होने का मतलब होता है बहुत संघर्ष की स्थिति में होना, स्ट्रगल की स्थिति में होना या स्ट्राइफ की स्थिति में होना। स्ट्राइफ माने क्या होता है, संघर्ष होता है, एस टी आर आई एफ ई, और स्ट्राइफ जो है जॉन गल्सवर्दी का लिखा हुआ एक प्ले भी है, जब भी आप जॉन गल्सवर्दी को पढ़ेंगे तो आप स्ट्राइफ जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर लॉगरहेड पे कोई है तो इसका मतलब है वो बहुत परिश्रम की स्थिति में है, बहुत संघर्ष की स्थिति में है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में। तो स्ट्राइफ और स्ट्रगल दोनों वर्ड्स आप याद रखेंगे, ऑप्शन में स्ट्राइफ भी आ सकता है या टू बी एट स्ट्रगल भी
आ सकता है। ठीक है, कैसे लर्न करेंगे? अगर लूज एंड पे है मतलब अनऑक्यूपाइड है, अब इसको अनऑक्यूपाइड ही लर्न करेंगे। हम हर वर्ड को हिंदी में लर्न नहीं करेंगे, खाली समझेंगे। जो वर्ड हमें जिनकी मीनिंग नहीं आती है उनको हम समझने के लिए हिंदी का थोड़ा सहारा लेंगे, लेकिन अगर हमें उस वर्ड का मीनिंग मालूम है तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनको इंग्लिश में ही समझे। ठीक है, तो अगर एट लॉगर सेट आएगा तो टू बी एट स्ट्राइफ या टू बी एट स्ट्रगल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एट ऑड्स। वैसे भी आप ऑड वर्ड देखिए, यहाँ पे एक आया है वर्ड कि एट ऑड्स आया है, तो ऑड्स वर्ड हम क्या पढ़ते हैं, कहते हैं बहुत ऑड लग रहा है। तो ये जो ऑड वर्ड होता है ये हमेशा निगेटिविटी बताता है, माइनस बताता है। निगेटिव वर्ड है ना, ये निगेटिव वर्ड है, ऑड है। तो अगर कुछ एट ऑड्स है, चीजें ऑड्स में चल रही है, इसका मतलब है हारमोनियस कुछ भी नहीं चल रहा है, अच्छा कुछ भी नहीं चल रहा है। अब हारमोनियस क्या होता है, हारमोनी वर्ड आपको पता है सामंजस्य होता है, हारमोनी का मतलब क्या होता है, सामंजस्य होता है। तो फिर अब हारमोनियस का मतलब क्या होगा, सामंजस्यपूर्ण होगा। ठीक है, हारमोनियस कंडीशन में होना, तो यहाँ पे हारमोनियस कंडीशन मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में होना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर एट ऑड्स है तो इसका मतलब है झगड़े की परिस्थिति होना, कंफ्लिक्ट की परिस्थिति होना, डिस्प्यूट की परिस्थिति होना, टू बी इन डिस्प्यूट, डिस्प्यूट में होना। अब ऑड्स याद रखेंगे, कहते हैं बहुत ऑड लग रहा है, तो ऑड लग रहा है का मतलब कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, हमेशा निगेटिव ही होता है। तो डिस्प्यूट की कंडीशन में होना और गलत परिस्थितियों में होना। नेक्स्ट एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इस आपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। किसी भी पॉइंट को लेकर अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज क्या है, दिस इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, या कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़ होना। कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है इसको लेकर के अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कार्ड एन एप्पल, कार्ड एज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसको हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बोलेंगे। डिस्कॉर्ड का मतलब ही होता है झगड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना दिमाग ये नहीं लगाएंगे कि एप्पल ये सेब है तो सेब से क्या हो रहा है, सेब से हमें मतलब नहीं है, ये एक सिंबोलिक मीनिंग दे रहा है। अगर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है मतलब कि कॉज ऑफ क्वेरल है, झगड़े का कारण है। ठीक, नेक्स्ट एट क्रॉस पर्पज। अब देखिए आपका पर्पज अगर यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रही हूँ, क्रॉस पर्पज है, अगर पर्पज आपका मान लीजिए ऐसे जा रहा है और मेरा पर्पज भी यूं जा रहा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक ही दिशा में जा रहा है। ठीक, आपको भी वही चाहिए ए, हमें भी वही ए चाहिए, लेकिन क्या होता है आपका पर्पज यूं जा रहा है और मेरा पर्पज यूं जा रहा है, तो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ना। तो जब क्रॉस पर्पज होगा, क्रॉस का मतलब ही समझ लीजिए लड़ाई झगड़ा कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट होना। ठीक है, तो अगर क्रॉस पर्पज जा रहे हैं इसका मतलब है कि हम दोनों आपस में क्या नहीं है, आपस में एक नहीं है, हारमोनियस नहीं है, हमारे इंटेंशन बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। और कंफ्लिक्टिंग इंटेंशन होना, तो इसमें कंफ्लिक्ट भी आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। कंफ्लिक्ट क्या होता है भाई, देखिए कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष होना। ठीक है, जब माइंड में हमारे कोई ऐसी बात चल रही होती है कि हम क्या करें, कोई एक से ज्यादा विकल्प हमारे मस्तिष्क में चल रहे होते हैं कि ये भी ऑप्शन है ये भी ऑप्शन है, लेकिन इनमें से हमें कौन सा चूज करना चाहिए। ऐसा सिर्फ परीक्षा देते समय ही नहीं होता है, लाइफ में कभी भी किसी भी मोड पे किसी भी फेज ऑफ लाइफ में आपका कोई भी कंफ्लिक्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं बट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक कंफ्लिक्ट माइंड में आपके बनता है, एक बनता है कि मुझे करना है, दूसरा होता है कि मुझे लगता है कि मैं कहाँ से करूं, मैं नहीं कर सकता, तो एक इस तरह का कंफ्लिक्ट। या फिर कोई किसी जगह आप जाना चाहते हैं लेकिन उसी जगह कोई घर में ऐसी परिस्थितियां बनती है जो आपको ये मजबूर करती है कि आपको वहां नहीं जाना है, तो आपके माइंड में कंफ्लिक्ट चल रहा है, मुझे जाना भी है और नहीं भी जाना है, जाना भी है और नहीं भी जाना, तो इस तरह की कंडीशन आती है। तो कंफ्लिक्टिंग इंटेंशन जब होते हैं, हमारे ऐसे इंटेंशन होते हैं जो तो आपस में क्रॉस कर रहे होते हैं, और ऐसा हमेशा ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति के कंफ्लिक्टिंग इंटेंशन होते हैं, एक व्यक्ति का एक इंटेंशन है, दूसरे व्यक्ति का एक इंटेंशन है, तो दोनों के कंफ्लिक्टिंग इंटेंशन है, यानी कि दोनों आपस में क्रॉस पर्पज पे है, दोनों के पर्पजेस क्रॉस कर रहे हैं। अगर लिखा है दे आर एट क्रॉस पर्पज, क्रॉस पर्पजेस, तो आप समझ जाइए कि उनके इंटेंशन बिल्कुल डिफरेंट है और उनके जो इरादे हैं वो अलग अलग हैं, कहीं से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। तो क्रॉस पर्पज पर होना मीन्स कंफ्लिक्टिंग इंटेंशन रखना या उन कंफ्लिक्टिंग इंटेंशन का होना। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर वंस ओन हर्ट, यानी कि अपने ओन हर्ट के बाद में,
टूवर्ड्स लाइकिंग किसी की पसंद का होना, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। अगर लिखा है वंस ओन हार्ट, अगर ये आफ्टर लिखा नहीं भी होता तो आप इतने से समझ सकते हैं वंस ओन हार्ट कि व्यक्ति का खुद का हृदय, तो जो हमारी खुद की चीज होती है इसका मतलब है कि वी लाइक दैट, हम उसको पसंद करते हैं। अगर हमारी खुद की चीज है तो इसका मतलब है हम उस चीज को पसंद कर रहे हैं। वी लाइक दैट टू वंस लाइकिंग, यानी कि किसी की लाइकिंग का होना। अब वंस का मतलब यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग वंस चेंज हो सकता है। अगर अगर किसी हम मेल की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे हिज लाइकिंग, अगर हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं तो हम कर देंगे हर लाइकिंग, अगर यहाँ पे हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम बोल देंगे माई लाइकिंग, अगर हम सामने वाले की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे योर लाइकिंग, या फिर हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं तो हम बोल देंगे दियर लाइकिंग, या हम अपने बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे अवर लाइकिंग। तो इस तरह से टू वंस लाइकिंग, किसी की पसंद का होना। अब कैसे आप याद रखेंगे, लिखा हुआ वंस ओन हर्ट, यानी कि अपना खुद का जो हर्ट है, यानी कि हम जो चीज हमें पसंद है, तो किसी अपनी ही लाइकिंग का होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट द बॉटम ऑफ, देखिए एट द बॉटम ऑफ टू बी अनेबल टू डिसाइड, यानी कि डिसाइड करने में अनेबल होना, यानी कि निर्णय ना ले पाना, बॉटम में होना। ठीक, तो इसको ऐसे याद रखेंगे जो बॉटम में होता है, देखिए जैसे ये आपका एक कोई भी बर्तन है तो यहाँ पे जो चीज बॉटम, बॉटम का मतलब होता है पेंदी, जो चीज पेंदी में रखी है वो सबसे नीचे रहेगी। ठीक है, तो ऊपर से जो व्यक्ति निगाह डालेगा उसको सबसे पहले ये चीज दिखेगी, ये चीज दिखेगी, ये दिखेगी, ये दिखेगी, उससे बाद में ये, फिर ये, और सबसे नीचे जो है वो क्या है बॉटम पे जो है। तो अगर आप बॉटम पे हैं इसका मतलब आपकी परिस्थिति कहाँ है, आप सबसे नीचे हैं, आपको काउंट भी नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब है कि आप तो कुछ निर्णय लेने में एबल है ही नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति एट द बॉटम ऑफ है, यानी कि सबसे नीचे है, तो उसका मतलब ही इज अनेबल टू डिसाइड एनीथिंग, कि वो ही इज अनेबल टू डिसाइड समथिंग, वो किसी चीज को, वो किसी भी चीज को क्या नहीं कर सकता है, वो किसी भी चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह से देखेंगे कि अनेबल टू डिसाइड, हम उस चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब देखिए बेटा इसके बाद है आपका एट अ लॉस, एट अ लॉस होना, तो यहां सेम मीनिंग है, अगर लॉस में होना और तो इसका मतलब भी है टू बी अनेबल टू डिसाइड, कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें लिखा हुआ है एट ए लॉस, यानी लॉस में होना, तो आप याद रखेंगे जब कोई व्यक्ति लॉस में होता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, या हमने क्या किया था और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस समय वो लॉस में, इसलिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। तो जब भी कोई भी व्यक्ति एट अ लॉस है तो इसका मतलब है कि प्रेजेंटली ही इज अनेबल टू डिसाइड समथिंग, वो किसी चीज को डिसाइड करने में समर्थ नहीं है, या ही इज अनेबल टू डिसाइड एनीथिंग। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन, अब डैगर्स ड्रॉ हो गए हैं, ड्रॉ मतलब निकल आए हैं, बाहर आ गए, और डैगर मीन्स क्या होता है बेटा, डैगर, डैगर मीन्स होता है खंजर, क्या होता है खंजर, खंजर जानते हैं, खंजर जो चक्कू की तरह होता है, खंजर, खंजर जिससे मर्डर होता है। तो डैगर्स ड्रॉन यानी कि एट, एट मतलब पर, अब देखिए कौन सी परिस्थिति बनी है, डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स निकल चुके हैं, तो ऐसी परिस्थिति जिसमें खंजर निकल चुके हैं, तो आप समझ जाइए ये कोई सामान्य विरोध की स्थिति नहीं होती है। सामान्यतः व्यक्ति को जरूरी नहीं कि सारी चीजें समझ में ही आए किसी व्यक्ति की, अब वो विरोध भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है, लेकिन अगर डैगर्स ड्रॉ हो रहे हैं तो वो सामान्य विरोध की परिस्थिति नहीं कहलाती, बल्कि कहलाती है गहरी शत्रुता, क्योंकि खंजर निकलने का मतलब होता है कि बहुत गहरी शत्रुता है, ऐसे थोड़ा नहीं निकलते, एक तो शत्रुता वो भी गहरी, तो टू हैव बिटर एनमिटी, एनमिटी का तो मतलब ही शत्रुता होता है। ठीक है बेटा, इन भाई इनेमी माने शत्रु, एनमिटी का मतलब शत्रुता होता है, लेकिन बिटर एनमिटी यानी बहुत गहरी, बहुत कड़वी शत्रुता। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, डैगर माने खंजर, और डैगर से आपको याद आया होगा मैकबेथ, आप पढ़ते हैं मैकबेथ में डैगर वाला सीन है, जब खंजर अपने आप उठता है
वो एक सीन है मैकबेथ में, फिस्ट के समय पे आता है ये सीन, तो उसमें आपने डैगर पढ़ा होगा। तो डैगर्स अगर ड्रॉ हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत गहरी शत्रुता होना। ठीक, दूसरा देखेंगे एट लार्ज। अब देखिए एट लार्ज का मतलब हम यहाँ पे हैं, ये हम इस जगह पर हैं, ठीक है, और यहां से एक रस्सी है जो यहां तक जा रही है, ठीक, तो ये हमसे क्या हो गई एट लार्ज। दूसरी देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरी रस्सी जो है वो सिर्फ यहीं तक जा रही है, तो एट लार्ज कौन सी है, एट लार्ज ये वाली। तो अगर कोई चीज एट लार्ज यानी वो बहुत दूर है हमसे, यानी ये अब अगर ये घूमेगी आपकी तो ये इतनी घूमेगी है ना, इससे थोड़ी सी ज्यादा घूम जाएगी, ऐसे घूमेगी, लेकिन जो ये वाली जो लाइन है आपकी है ये पॉइंट, तो ये ऐसे बहुत ऊपर से जाएगा और जाने कहाँ जाएगा। ठीक है, तो जो जितनी दूर होता है वो उतना ही स्वतंत्र भी होता है और उतना ही वो अनचेंज्ड अनचेंड होता है। अनचेंड का मतलब होता है कि चेन में ना रखना, यानी स्वतंत्र रखना, खुला रखना, मुक्त रखना। तो अगर कोई चीज एट लार्ज है तो इसका मतलब क्या हो गया, मुक्त है, स्वतंत्र है। तो इंग्लिश में रख लेंगे, पढ़ेंगे एब्सकॉन्ड है, या टू कीप अनचेंड। अनचेंड वर्ड कैसे बना है, चेन माने जंजीर होता है, CHAIN, और अगर चेन रखा है इसका मतलब जंजीरों में कैद रखा है, लेकिन अगर अनचेंज रखा है इसका मतलब हो गया मुक्त किया है, स्वतंत्र किया है। तो एट लार्ज का मतलब मुक्त रखना, स्वतंत्र रखना, खुला रखना। ठीक, दूसरा एट सी, समुद्र में होना। और समुद्र का मतलब आप ऐसे समझ लो कि समुद्र बहुत बड़ा होता है, समुद्र कोई छोटी चीज तो है नहीं, तो बहुत बड़ा समुद्र है, आपको उसमें आर पार कहीं भी आकर, समुद्र के बीच में होते हैं, बड़े समुद्र के बीच में आप हैं तो आपको दिखता नहीं दूर दूर तक कि आपको किधर किनारा है, किधर क्या है, कुछ नहीं दिखता, सिर्फ पानी 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 पानी, चारों तरफ आपको एक ही चीज दिखती है जहां जहां तक आपकी निगाह जाती है समुद्र के बीच में। तो और जबकि नदियों में ऐसा नहीं होता है, अगर आप नदी के एक छोर पे खड़े हैं तो कम से कम दिखाई पड़ जाता है कि हाँ यहाँ पे आपका एक शहर दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिखता है। तो जब हम आपको कुछ भी दिखता नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो कौन सी कंडीशन बनती है, तो बनती है कंफ्यूज्ड, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अप्लाइड टू अ पर्सन कंफ्यूज्ड, एक ऐसे व्यक्ति पे इसको अप्लाई करते हैं जो कंफ्यूज होता है। तो आप सीधा सा याद रखेंगे एट सी मतलब समुद्र में होना, और आप याद रखना कि मैम ने बताया था समुद्र में है, बहुत बड़े समुद्र में, हमको आसपास की वहां से हमको कोई भी चीजें दिखाई नहीं देती है, हमको इधर जिधर देखते हैं वो सिर्फ पानी पानी दिखता है, तो ऐसे में व्यक्ति क्या हो जाएगा, कंफ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, फ्यूल वर्ड एक आया है एड फ्यूल। फ्यूल किसको बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं ईंधन को, जो ईंधन होता है उसको फ्यूल बोलते हैं। और फ्लेम माने क्या होता है, फ्लेम माने होता है ज्वाला, यानी जो अग्नि की जो ज्वाला होती है, और फायर माने आग, अग्नि तो आपको मालूम ही है ना, अग्नि या आग। तो देखो एड फ्यूल टू द फ्लेम, फ्लेम में, फायर में फ्यूल डाल देना, तो ये क्या हो गया कि आग में वही ईंधन डाल देना, और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं कि आग में घी डालना, तो वही फ्रेज है, अंग्रेजी में कहते हैं कि आग में ईंधन डालना और हिंदी में कहते हैं आग में घी डालना, दोनों की बात वही है कि मामले को और ज्यादा बुरा बना देना, मामले को और ज्यादा खराब बना देना, किसी मामले को, साधारण से मामले को बहुत बड़ा तूल दे देना। तो टू मेक मैटर वर्स, वर्स किसका जो है डिग्री है, और कौन सा डिग्री है आपको पता होना चाहिए, जो वर्स है एक वर्ड होता है बैड, BAD बैड, तो बैड वर्स और रोस्ट, बैड माने बुरा, वर्स माने उससे बुरा, और रोस्ट माने सबसे बुरा। तो बैड की ये जो डिग्रीज है, एट फ्यूल टू द फ्लेम, टू द फ्लेम और फायर टू मेक मैटर वर्स, कि किसी मैटर को बहुत ज्यादा खराब कर देना, यानी थोड़ी सी बात थी लेकिन उसको बिगाड़ के और ज्यादा खराब कर देना। नेक्स्ट एट सिक्स एंड सेवन, इसको ऐसे याद रखेंगे कि सिक्स अगर हम कभी भी काउंटिंग पढ़ते तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों, वन से स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री ऐसे पढ़ते हैं ना, वन टू थ्री फोर, लेकिन हम लोग कभी भी सिक्स सेवन से स्टार्ट नहीं करते। लेकिन जब हमें कोई ऐसा फ्रेज दिया जाए जिसमें लिखा होगा एट सिक्स एंड सेवन, तो समझ जाना कि हम सही क्रम में नहीं है बल्कि हम गलत क्रम में हैं, और गलत क्रम का मतलब क्या हो गया, इन डिसऑर्डर। जैसे एप्पल पाई ऑर्डर जब भी आएगा तो आप जान जाएंगे
करेक्ट ऑर्डर में होना, हार्मोनियस वे में होना, है ना, अच्छे सही ऑर्डर में होना। लेकिन जब सिक्स एंड सेवन आएगा, एट सिक्स एंड सेवन यानी कि छह सात में होना, तो इसका मतलब है कि इस हम जो है वन टू से नहीं पढ़ रहे, मतलब क्या है, गलत ऑर्डर में होना। ठीक, दूसरा देखो, यानी गलत क्रम में होना। नेक्स्ट देखिए, एज्यूम एयर्स। अब देखो बेटा, एज्यूम का मतलब क्या होता है, एज्यूम का मतलब होता है मान लेना, एज्यूम का मतलब होना नहीं होता है, मान लेना, मान लेना, यानी कि मान लेना ही ये बताता है कि यहाँ पे रियलिटी नहीं है। हमने कहा मान लीजिए आप भारतवर्ष के पीएम है, तो आप बन तो नहीं गए ना, केवल एज्यूम किया है आपने। तो यहाँ पे एज्यूम मतलब सोच लेना, मान लेना, और एयर्स का मतलब हवा होता है। तो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, लोग कहते हैं बहुत हवा में उड़ते हैं, बहुत हवा में बातें करते हैं, यानी कि जिन बातों की कोई वास्तविकता नहीं, अपने आप को कुछ समझने लगना। तो होना नहीं, एक होता है होना, टू बी सुपीरियर, एक होता है टू प्रेटेंड सुपीरियरिटी, है ना। तो प्रेटेंड का मतलब क्या होता है, शो करना, है नहीं, हम बहाना कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि हम बहुत सुपीरियर हैं। तो हम एज्यूम करते हैं, हम एयर्स एज्यूम करते रहते हैं, एयर्स मतलब हवा में उड़ते रहते हैं, अपने आप को कुछ एज्यूम करते रहते हैं, कोई बड़ी चीज समझते रहते हैं अपने आप को कि हम बहुत सुपीरियर हैं, बहुत सीनियर हैं। ऐसा सोचना, ऐसा होना नहीं, क्योंकि वर्ड्स में ध्यान देंगे, अगर लिखा है टू बी सुपीरियर तो ये यहाँ पे मीनिंग नहीं है। टू बी सुपीरियर मतलब सुपीरियर होना, और अगर लिखा टू प्रेटेंड सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी को प्रेटेंड करना, तो इसका मतलब हो गया एज्यूम एयर, यानी कि अपने आप को एज्यूम करना एयर्स में, यानी कि अपने आप को किसी से ज्यादा सुपीरियर समझने लगना। नेक्स्ट, आर्गसाइट। आर्गसाइट का मतलब होता है बहुत ही केयरफुल या ऑब्जर्वेंट, यानी बहुत निगरानी रखने वाला। अगर कोई ना कोई बहुत आर्गसाइट व्यक्ति है, तो समझ जाओ ये ऐसा व्यक्ति नहीं है तो तुमसे मतलब नहीं रख रहा है, ऐसा व्यक्ति है निगरानी रखने वाला, समझ रहे। ऊपर से भले ही आपको वो ये विश्वास दिलाए कि नहीं हमें क्या मतलब, आप कुछ भी करो, लेकिन पीठ पीछे वो आपके पीछे लगा रहेगा ये जानने के लिए कि वास्तव में आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत केयरफुल होता है और बहुत ऑब्जर्वेंट होता है। केयरफुल का मतलब ध्यान रखता है हर एक चीज की, और ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है हर छोटी बड़ी चीज को वो व्यक्ति ऑब्जर्व करता है, कोई भी चीज उसकी निगरानी से नहीं वापस जाती है। तो अगर कोई आर्गसाइट है, उसका मतलब केयरफुल और ऑब्जर्वेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट ए स्टोन थ्रो। देखो इसको ऐसे समझो, अगर आपने कोई स्टोन को थ्रो मीन्स फेंक दिया, तो जैसे आपने यहां से स्टोन फेंका और स्टोन आपका यहाँ के गिरा, तो स्टोन अगर आप फेंकेंगे तो एक लिमिट है ना, स्टोन कहाँ गिरेगा, आपकी आपके घर के आसपास ही गिरेगा। ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पे कानपुर से स्टोन फेंके और वो स्टोन जाके दिल्ली में गिरे, ऐसा तो नहीं है ना। तो स्टोन की थ्रो बहुत दूर तक नहीं जाएगी, कितनी दूर जाएगी भाई, उसकी एक लिमिट है कि वो कितनी दूर तक जाएगी, है ना। तो एट ए स्टोन थ्रो, अगर स्टोन थ्रो पे कोई है, इसका मतलब है इज नॉट वेरी फॉर, इज नॉट वेरी डिस्टेंट प्लेस, यानी कि ना, ही इज नॉट एट द डिस्टेंट प्लेस, यानी कि ही इज वेरी क्लोज। अगर कोई चीज स्टोन थ्रो पे है, तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा नजदीक होना, बहुत ज्यादा नजदीक होना, यानी बहुत पास होना, नियर होना, या वेरी क्लोज होना। कैसे याद रखेंगे, अगर स्टोन की थ्रो पे है, तो स्टोन की थ्रो की एक सीमा है कि स्टोन कहां तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, यानी बहुत नजदीक होना। नेक्स्ट, बाय हुक और बाय क्रुक, ये आपका बहुत ही फेमस मुहावरा है। इसको बोलेंगे किसी काम को आपको करना है, अगर किसी भी तरीके से, है ना, चाहे वो अच्छा तरीका हो चाहे वो बुरा तरीका हो, अगर हम चीजों को बाय वन मीन्स और अनादर, यानी एक तरीके से, और अगर एक से नहीं होता तो हम अनादर मीन्स को प्रयोग करेंगे, यानी किसी भी तरीके से, चाहे वो सही तरीका हो या गलत। जब हमने बोल दिया कि किसी भी तरीके से, तो उसमें सभी तरीके आ गए, अच्छे भी आ गए और खराब भी आ गए। तो अगर किसी चीज को करना है बाय हुक और बाय क्रूक, उसका मतलब हुआ किसी भी तरीके से करना है, बाय हुक करना है और बाय क्रूक करना है, मतलब बाय वन मीन्स और अनादर, एक रास्ते से चाहे दूसरे रास्ते से। अब देखिए, बियर द वर्न ऑफ, बियर मतलब सहन करना, अब बर्न का मतलब आप बर्न से याद रखेंगे जलना, बर्न में जलना होता है, जलना। तो ये आप एक वर्ड याद रखेंगे, बर्न इसका यूज किया गया है। तो अगर हम बर्न को बियर कर रहे हैं,
यानी जल गए, उसको हम बियर कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं उस उसकी जलन को। तो उसका मतलब है हम कोई चीज है जिसको बहुत ज्यादा बियर कर रहे हैं, कोई कष्ट है, कोई आघात है, कोई ऐसी चोट है, कोई ऐसा दुख है जिसको हम सहन कर रहे हैं। अगर बर्न को बियर कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई शॉक, कोई घटना है ऐसी बुरी जिसको हम सहन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू बियर द मेन शॉक ऑफ, यानी कोई चीज है उसका जो मुख्य शॉक है, जो मुख्य आघात है, उसको सहन करना। तो बियर द बंट ऑफ से लर्न कर लेंगे आप इसको। नेक्स्ट, बेल द कैट। बेल द कैट ये तो वही हो गया ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बहुत पुराना मुहावरा है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अब बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब होता क्या था? ऐसा तो नहीं था कि रियल में कोई बिल्ली है, चलो कौन उसके गले में घंटी बांधेगा, ऐसा नहीं होता था। मतलब होता था कि घंटी तो बिल्ली के गले में बंध ही जाएगी, लेकिन बात ये थी कि घंटी बंधने के बाद तो जो प्रॉफिट होना है या जो फायदा होना है वो सबका है, ठीक। लेकिन घंटी को बांधते समय अगर कोई रिस्क है, घंटी को बांधते समय कोई रिस्क है कि अगर वो बिल्ली अटैक कर देती है, तो वो रिस्क सबके लिए नहीं है, वो उसी व्यक्ति का है जो घंटी बांधने गया है। तो इसका छोटा सा उदाहरण है, लेकिन इसे आप समझ सकते हैं कि टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। कभी जब आप पहला कदम उठाएं तो अपने रिस्क पर उठा रहे हैं, कि अगर रिस्क है तो सिर्फ आपका है और लोगों का नहीं है, ये पर्सनल रिस्क है आपका। लेकिन अगर आपका कदम सफल होता है और आपको उसमें सफलता मिलती है, तो उस सफलता से सभी लोग जो है वो प्रॉफिट उठाएंगे, आप पर्सनली नहीं उठाएंगे। लेकिन जो पहला उस स्टेप आप उठाते हैं, अगर उस पे कोई रिस्क हो गया तो वो आपका पर्सनल रिस्क होगा। तो वही हो गया कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, सब चाहते हैं बंध जानी चाहिए, लेकिन बांधना कोई नहीं चाहता, कि कोई अगुवाई नहीं करना चाहता, यानी कि नोबडी वॉन्ट्स टू टेक फर्स्ट स्टेप एट हिज पर्सनल रिस्क। कोई भी अपने पर्सनल रिस्क पे पहला स्टेप नहीं उठाना चाहता, यानी नोबडी वॉन्ट्स टू बेल द कैट। दोनों का मीनिंग समझ में आ गया। हम बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, या इसका मतलब हो गया अपने रिस्क पे कोई कदम उठाना, टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। नेक्स्ट, तो बियर द वंट ऑफ अभी हम लोग पढ़ चुके थे कि टू बियर द मेन शॉक ऑफ, किसी चीज का जो मेन शॉक होता है, जो मुख्य आघात होता है, उसको बियर करना, ठीक है। नेक्स्ट, बिड डिफाइंस। बिड, बिड मतलब बिड करना, बेट करना, देना, डिफाई करना, उड़ जाना, इग्नोर मारना। तो बिड डिफेंस का मतलब है इग्नोर करना, उपेक्षा करना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उपेक्षा करना किसी चीज की, उपेक्षा, उपेक्षा करना यानी इग्नोर करना, इग्नोर करना। या दूसरा वर्ड वहां पे ये भी लिखा हो सकता है बच्चों, अवॉइड, टू अवॉइड यानी अवॉइड करना, ये भी वर्ड लिखा हो सकता है वहां पे, ठीक है। अगला देखो, ब्लो वंस ट्रम्पेट, ठीक, ब्लो बन बजाना, वंस मतलब अपनी खुद की, और ट्रम्पेट, ट्रम्पेट एक प्रकार की वो पिपीरी होती है बजाने वाली, जो ऐसे होती है, उसका कुछ नाम भी होता है ऐसे करके, तो वो बजाना, तो अपनी ट्रम्पेट खुद बजाना, इसका मतलब क्या हो गया, बात यहाँ ट्रम्पेट बजाने की नहीं है, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, टू प्रेस वन सेल्फ, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अब याद रखेंगे कैसे, अपनी ट्रम्पेट खुद बजाना मतलब कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट, ब्रेक द न्यूज, आपने देखा होगा कि ब्रेकिंग न्यूज करके हमेशा आता है, तो आपको लगता है कोई ऐसी बहुत बड़ी खबर है, लेकिन हमेशा याद रखना ब्रेक वर्ब है। देखो ध्यान से देखो बेटा, इसमें ब्रेक जो लिखा हुआ है ये हो गया वर्ब, है ना, ब्रेक द न्यूज, न्यूज को ब्रेक करना, तो न्यूज को ब्रेक करने का मतलब होता है, हमेशा होता है ये शॉकिंग तो न्यूज होती है, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज है ना, एक मिनट, शॉकिंग तो होती है, लेकिन शॉकिंग के साथ साथ वो बैड न्यूज भी होती है, यानी दो चीजें, शॉकिंग का मतलब सरप्राइजिंग होगी, और सरप्राइजिंग हमेशा दो तरह के होते हैं, एक प्लीजेंट सरप्राइज भी होता है, एक अनप्लीजेंट सरप्राइज भी होता है, तो यहाँ पे शॉकिंग एंड बैड न्यूज, ठीक, कोई ऐसी न्यूज हो जो शॉकिंग हो और बहुत बैड हो, अचानक से पता चला कि नहीं, कोई बहुत ही एक अच्छी पर्सनालिटी, कोई सेलिब्रिटी, और पता चला कि उनकी डेथ हो गई, अचानक से पता चला, तो ब्रेकिंग न्यूज में वो आता है। तो याद रखना ब्रेक द न्यूज करने का मतलब क्या होता है, टू गिव बैड न्यूज, टू गिव बैड न्यूज, ठीक है। नेक्स्ट, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, कि
बर्न करना यानी जलाना और होल का मतलब एक गड्ढा यानी कुछ भी कर सकते हैं। हम जला दें या होल कर दें किसी की पॉकेट में, पॉकेट का मतलब जेब है, लेकिन पॉकेट का संकेत किससे है? मनी से। अब मनी पॉकेट में अगर होल हो रहा है तो होल होने का मतलब है कि, होल होने का क्या मतलब हुआ भाई, कि जो भी चीजें उसमें है वो उसमें नहीं रुकेगी, धीरे धीरे करके वो बाहर निकलती जाएंगी, यानी कि पैसा जेब में नहीं टिकेगा, यही तो मतलब हुआ। अगर कहे कि तुम्हारी जेब में ही होल है, इसका मतलब तुम्हारी जेब में कुछ टिकता नहीं है, तो यहाँ पे वर्डली मीनिंग नहीं है, लेकिन सेंस समझिए इसका हो गया कि बहुत तेजी से पैसे उड़ाना, बहुत तेजी से पैसे को खर्च करना। मनी स्पेंट क्विकली, ये लिखा हुआ है ना, मनी स्पेंट क्विकली, दिस इज द राइट मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज। नेक्स्ट, बरी द हैचेट। अब हैचेट से कैसे याद रखना, देखो यहाँ पे एक वर्ड आया हैचेट, हैचेट से हौच पौच समझ लेना, बहुत हौच पौच है, यानी बहुत हौच पौच किस कैसा होता है, बहुत ही नॉइजी होता है ना, हौच पौच का मतलब। बरी का मतलब बरी कर देना, शांत कर देना, जमीन में दफना देना हैचेट को। जितना भी हौच पौच नॉइजी है, जितना भी हौच पौच सा हैचेट है, सबको आपने बरी कर दिया, शांत कर दिया, तो यानी क्या करना, दम शांति बना देना, टू मेक पीस। समझ में आया बेटा, टू मेक पीस, हैचेट को बरी कर देना मतलब शांति बनाए रखना। अब हैचेट कैसे याद रखेंगे, याद रखना जो हॉच पॉच सी चीजें हैं, बहुत नॉइजी सी है, बहुत शोरगुल सी है, बिखरी बिखरी सी है, उन सबको बरी कर देना। और जब हॉच पॉच एकदम बरी हो गया, नॉइजी चीज एकदम बरी हो गई, शांत हो गई, दफन हो गई, तो क्या हो गया ऊपर से, टू मेक पीस, शांति होना। बिसाइड वन सेल्फ, ठीक। अब देखो बेटा इसको कैसे याद रखेंगे, बिसाइड और बिसाइड्स दो चीजें होती हैं, ग्रामर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक होता है बी आई एस आई डी ई, एक होता है बी ई एस आई डी ई एस, बिसाइड्स। तो बिसाइड माने होता है के बगल में, और बिसाइड्स माने होता है के अतिरिक्त, तो यहाँ पे बिसाइड है के बगल में, और वन सेल्फ मतलब स्वयं, यानी कि ये आप हैं, और है ना, मान के चलिए कि ये आप है और आपके ही बगल में वन सेल्फ मतलब आप फिर आ गए, एक तो आप थे ही, एक तो आप थे ही, दूसरे आप और आ गए, यानी एक, देखो दोनों एक जैसे हो गए, बिसाइड वन सेल्फ अपने ही बगल में एक और होना, तो इसका मतलब होता है आपके ही जैसा होना। तो जो भी चीज, अगर आप डबल हो जाएंगे तो जो भी चीज आपकी है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी कि अगर आप सैड हैं तो फिर आप डबल सैड हैं, अगर आप हैप्पी हैं तो आप डबल हैप्पी हैं, जो भी फीलिंग आपके अंदर आएगी वो एक्सेसिवली ही आएगी, अधिक मात्रा में ही आएगी, थोड़ी नहीं आएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू फील एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा फील करना, बहुत ज्यादा महसूस करना किसी चीज को, तो ये हो जाएगा बिसाइड वन सेल्फ। कैसे याद रखेंगे, बिसाइड मीन्स बगल में, वन सेल्फ मतलब अपने, हमारे बगल में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो हमने बना के भी आपको दिखाया है, एक ये बनाया और एक ये, दो बनाया बेटा, देखो एक ये वाला और एक ये वाला। तो बिसाइड वन सेल्फ का मतलब अपने ही जैसा एक और होना, बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा महसूस करना। नेक्स्ट, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब कोई खराब खून, कोई गंदा खून नहीं होता है, कोई रोगी खून नहीं होता है, कोई बीमारी वाला खून नहीं होता है, बल्कि बैड ब्लड का मतलब होता है बुरा खून। तो सेंस यहाँ पे क्या है, खराब रिश्ते। अगर बैड ब्लड है, ब्लड का मतलब तो रिश्ते से होता है, आपको इतना तो पता ही होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना ब्लड रिलेशन, यानी खून के रिश्ते। तो ब्लड से आप ये याद रखना कि रिलेशन है, ब्लड से क्या रखेंगे, ब्लड से याद रखेंगे कि रिलेशन है, ठीक। ब्लड, तो यहाँ पे बैड ब्लड है यानी कि रिलेशन खराब है, यानी बिटर रिलेशन, यानी खराब रिश्ते, ठीक है। बैड ब्लड का मतलब क्या हो जाएगा, खराब रिश्ते, याद रखेंगे अच्छी तरह। अगला, ब्लैक एंड ब्लू, इसको कैसे याद रखेंगे, देखो ब्लैक का मतलब क्या होता है बेटा, ब्लैक का मतलब होता है काला, ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला। आपने सुना होगा जब किसी को बहुत ज्यादा मार पड़ती है, बहुत ज्यादा मार पड़ती है, तो क्या हो जाता है, वो उसकी जगह काली या नीली पड़ जाती है। तो जब भी काली नीली आपको दिखाई पड़ जाए, काला नीला, तो समझ जाओ बहुत ज्यादा मार पड़ी हुई है, ठीक है। निर्दयता पूर्वक पीटना, बुरी तरह से पीटना, काला नीला पड़ना, पढ़ना नहीं है यहाँ पे, लिखा है खाली, लिखा है काला और नीला, ब्लैक एंड ब्लू। तो आप सभी बच्चे समझ लीजिए ना कि ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या हो गया, बुरी तरह से
बुरी तरह से पीटना, ठीक है, बहुत बुरी तरह से पीटना। टू बीट मर्सीलेसली, टू बीट मर्सीलेसली, ठीक है। नेक्स्ट, बीट अबाउट द बुश, इसको कैसे बच्चों याद रखेंगे? देखो, बीट माने होता है पीटना, ठीक, ये पहला वर्ड देखो, बीट माने पीटना, ये तो आपको आई थिंक पता ही होगा, बीट का मतलब पीटना होता है ना, हम लोग पढ़ते बीटिंग, निपिटाई, और अबाउट मतलब लगभग लगभग या बारे में, और बुश मतलब झाड़ी। आप देखो बेटा, ये एक झाड़ी है, ठीक, ये एक झाड़ी है मान लीजिए ऐसे बड़ी सी, और आप ये समझिए कि इस झाड़ी में यहाँ पे एक स्नेक बैठा हुआ है, तो इसकी आवाज से हमें लग रहा है, और यहाँ पे ये कोई, यहाँ पे ये कोई पर्सन है, तो ये बताओ, ये अपने हाथ में बहुत बड़ा एक डंडा लिया हुआ है, तो ये खाली बुश को पीट रहा है, नहीं बुश यानी कि झाड़ी को खाली पीट रहा है, झाड़ी में डंडे को मार रहा है, किस लिए? कि अगर यहाँ कुछ जानवर होगा, सांप वगैरह, तो वो धीरे से निकल जाएगा, है ना, इसलिए वो आवाज कर रहा है उसमें। अब ये बताओ, अगर ये इस बुश को पीट रहा है तो इसका टारगेट क्या है? बुश को पीटने के पीछे क्या क्या टारगेट है? स्नेक को भगाना, लेकिन वो स्नेक पे डायरेक्ट टारगेट ना करके किसको टारगेट कर रहा है? बुश को, यानी झाड़ी को। तो ये बात होती है कि जब हम किसी भी बात को जो कहना चाहते हैं, जिसको कहना चाहते हैं, उसे सीधे टारगेट नहीं करके घुमा के फिरा के अपनी बात को कहते हैं, गोल गोल घुमा के अपनी बात को कहते हैं, तो उसे बोलते हैं बीट अबाउट द बुश, यानी बुश को पीटना। हमें बुश को थोड़ी नहीं पीटना है, बुश को टारगेट नहीं बनाना है, टारगेट तो हमारा वो कोई भी एनिमल है जिसको हम भगाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी झाड़ी को पीट रहे हैं, मतलब कि हम झाड़ी में छिपे हुए उस एनिमल को वहां से हटाना चाहते हैं, लेकिन हम उस एनिमल्स पे को डायरेक्ट टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो जब भी एग्जाम में आएगा बीट अबाउट द बुश, बुश को पीटना, तो आप समझ जाना कि घुमा फिरा कर बात करना, डायरेक्ट बात नहीं करना, घुमा फिरा कर बात करना, यानी कि टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। नेक्स्ट लिखा हुआ है बीट द एयर, बीट द एयर, हवा को पीटना, ठीक। अब हवा को, हवा का मतलब तो क्या होता है? वैकेंट प्लेस होती है, खाली जगह होती है। अब हवा को कौन पीटेगा? अगर हवा को आप पीटेंगे, हवा में बार बार जोर जोर से आप हाथ अपने चलाएंगे इधर उधर इधर उधर, तो क्या होगा? हवा को तो लगेगा नहीं, आपके हाथों में दर्द भले ही होने लगे। इसका मतलब अगर आप हवा को पीट रहे हैं, यानी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो एकदम बेकार है, एकदम यूजलेस है, जिसमें कुछ भी हासिल नहीं होना है, तो क्या हो जाएगा? बीट द एयर मीन्स टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, यानी कि यूजलेस एफर्ट्स करना, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी आपकी, जिसमें मैंने 1 to 40 आपको idiom phrases एक्सप्लेन करके, इलेबोरेट करके, हिंदी में या bilingual आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट टाइम भी जब आप पढ़ें idiom phrases, तो आप उन्हें रटे नहीं, बल्कि किसी इसी तरह से आप उनको किसी न किसी चीज से रिलेट करके पढ़ेंगे, तो आप भूले ना, इसलिए एक छोटा सा रिविजन हम लोग करते हैं, इसको एक बार देखते हैं आपको कितना याद है। सभी बच्चे मेरे साथ साथ रिविजन करेंगे। एट वंस विट्स एंड, किसी की विट का एंड होना, मतलब किसी की बुद्धि का काम ना करना, यानी कि क्या हो जाना? परप्लेक्स्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। नेक्स्ट, एट वंस फिंगर टिप्स, अगर कोई चीज किसी के फिंगर टिप्स पे है, मतलब उसको उसका पूर्ण ज्ञान है, टू हैव कंप्लीट नॉलेज या टू हैव कमांड ओवर। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, अगर कोई चीज हो रही है, इसका मतलब तुरंत हो रही है, विदाउट डिले हो रही है, एट वंस हो रही है, ठीक। ऑल इन ऑल है, यानी सर्वे सर्वा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लोज क्वार्टर्स पर है, एट क्लोज क्वार्टर्स, मतलब कि क्लोज एग्जामिनेशन है, ठीक है। और एप्पल पाई ऑर्डर में अगर कोई चीज रखी है, तो उसका मतलब हुआ कि वो चीज कैसी है? इन परफेक्ट ऑर्डर, एकदम सही क्रम में रखी है। नेक्स्ट है आपका अबव बोर्ड, अगर कोई चीज अबव बोर्ड है, कोई पर्सन अबव बोर्ड है, मीन्स की इज ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो बहुत ही ऑनेस्ट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा बोलने वाला है। अबव ऑल है, यानी कि सारी चीजों को पीछे कर दिया जाए, तो सबसे ऊपर एक बात आती है, कौन सी? अबव ऑल, जो भी बात आती है। नेक्स्ट, अगर कोई चीज फिडल की तरफ फिट हो रही है, मतलब स्ट्रांग एंड हेल्दी है। अगर कोई चीज एट रैंडम हो रही है, मतलब की एमलेसली हो रही है, इरेगुलरली हो रही है, बिना किसी नियम के हो रही है। अगर लूज एंड है, यानी वो चीज ऑक्यूपाइड नहीं हो रही है, यानी अनऑक्यूपाइड है,
और अगर लॉगर हेड्स पे कोई चीज है एट लॉगस है तो इसका मतलब संघर्ष की स्थिति है। एट ऑड्स अगर ऑड्स है तो इसका मतलब झगड़े की कंडीशन है, और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कोई भी झगड़े की जड़ होना। क्रॉस पर्पज अगर बन रहे हैं तो इसका मतलब विरोधी उद्देश्य बन रहे हैं, आपस में सामंजस्य नहीं बन रहा है, जो हमारे उद्देश्य है इंटेंशन है वो आपस में बिल्कुल कंफ्लिक्ट है, अलग अलग हो रहे हैं। और वंस ओन हर्ट है अगर कोई चीज तो उसका मतलब उसकी पसंद की है। बॉटम ऑफ पे है अगर कोई चीज सबसे कोई व्यक्ति सबसे नीचे है तो उसका मतलब वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता, उसे कुछ नहीं पता कैसे करना है। और एट अ लॉस है तो इसका मतलब ये हो गया वो कुछ डिसाइड करने में अनेबल है। डैगर्स ड्रॉन है अगर डैगर निकल आए तो इसका मतलब गहरी शत्रुता है। और एट लार्ज अगर कोई चीज है तो इसका मतलब मुक्त है, एकदम स्वतंत्र है, अनचेंड है। एट सी समुद्र में होना, तुमने मैंने आपको बताया था अगर समुद्र में होना यानी कि पता ही नहीं चल रहा है कहाँ क्या है, यानी कि टू अ पर्सन कंफ्यूज, अप्लाई टू अ पर्सन कंफ्यूज यानी टू बी कंफ्यूज या टू बी परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज होना या परप्लेक्स्ड होना। इसके बाद है एड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर, आग में घी डालना यानी टू मेक द मैटर वर्स, मैटर को खराब कर देना। एट सिक्स एंड सेवन यानी कि अगर छह और सात से शुरू हो रहा है इसका मतलब डिसऑर्डर में होना। इसके बाद है एज्यूम एयर्स, एयर रेज्यूम करना यानी अपने आप को बहुत सुपीरियर रेज्यूम करने लगना। आर्गासाइट मतलब बहुत केयरफुल ऑब्जर्वेंट होना। स्टोन्स की थ्रो अगर है, एक पत्थर का टुकड़ा हमने मारा तो इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती, इसको बोलते हैं वेरी नियर या वेरी क्लोज। कोई काम अगर बाई हुक और बाई क्रूक करना है इसका मतलब आपको करना ही करना है, चाहे जैसे करना है, बाई वन मीन्स ऑन अनदर और अनदर। बियर द बर्नट ऑफ, अगर आप बर्न को बियर कर रहे हैं मतलब कि जले हुए को बियर कर रहे हैं, मीन्स कि कोई यू आर बियरिंग द शॉक ऑफ समथिंग, किसी चीज के शॉक को, मुख्य आघात को आप बियर कर रहे हैं। बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मतलब अपने पर्सनल रिस्क पे कोई पहला कदम उठाना, टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। बिट डिफेंस करना, अगर डिफेंस किसी को बीट कर रहा है इसका मतलब हमें उसे इग्नोर कर रहे हैं, उपेक्षा करना, और अपनी ट्रम्पेट खुद बजाना, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट या ब्लो वंस ट्रम्पेट, मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ब्रेक द न्यूज, कैसी न्यूज देना, बुरी न्यूज देना, इसमें दो चीजें होती है, एक तो न्यूज आपकी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होती है, किसी को पता नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा कि वो न्यूज बैड होती है। बर्न होल इन वंस पॉकेट, किसी की पॉकेट में छेद कर देना, छेद करने का मतलब हो गया या जलाने का मतलब हो गया कि उसकी पॉकेट में पैसे नहीं बचते, यानी मनी स्पेंट वेरी क्विकली। बरी द हैचर, जो भी हौच पौच है उसे बरी कर दिया, एकदम शांति हो जाना, टू मेक पीस। बिसाइड वनसेल्फ, अपने ही बगल में कोई और होना, यानी टू फील एक्सेसिवली, और ज्यादा फील करना। बैड ब्लड, ब्लड का मतलब रिश्तों से है, और बैड ब्लड का मतलब खराब रिश्ते, यानी बिटर रिलेशन या शत्रुता या इनमिटी। ब्लैक एंड ब्लू, काला पड़ जाना, नीला पड़ जाना, कब होता है ऐसा, टू बीट मर्सीलेसली, निर्दयता पूर्वक पीटना। बीट अबाउट द बुश, राउंड अबाउट मैनर में बात करना, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर या टू टॉक इन इनडायरेक्ट वे, कुछ भी हो सकता है। बीट द एयर यानी कि हवा को पीटना, यानी व्यर्थ की कोशिश करना। तो ये था आपका रिविजन, आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर से जरूर दें। थैंक यू।